केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता व प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अनकही बातें क्या हैं? आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना अधिक लोकप्रिय बनाती हैं? इसलिए आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रोचक तथ्य आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रहे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण आकार का एक बड़ा सा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती से प्रकट हुआ था। फैक्ट नंबर 2, केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। दरअसल एक समय नर व नारायण इस जगह भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। फैक्ट नंबर 3, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉक तकनीक को अपनाया गया है जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉक करना किसी मानव के सक्षम नहीं दिखता। मंदिर का यह अद्भुत रूप इसे और भी रोचक बना देता है। फैक्ट नंबर 4, केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को उखीमठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय वहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ से नीचे चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। वह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। फैक्ट नंबर 5, केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा केदारनाथ मंदिर की पूजा व सुरक्षा की जाती है। फैक्ट नंबर 6, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत या दीपक है। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल ही किसी ने मंदिर की पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद भी जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे तब भी यह अखंड ज्योत जल रही थी। फैक्ट नंबर 7, वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी व केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर दो भागों में बट गया, मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। फैक्ट नंबर 8, केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा नहीं झेली थी बल्कि 400 वर्षों तक मंदिर बर्फ से ढका रहा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटाने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया। फैक्ट नंबर 9, केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य जिससे जुड़ा हुआ है वो है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा। इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे, ये एक रहस्य बनकर रह जाएगा। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।